भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार को भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी लाएगी। आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता में संबित पात्रा ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में राज्य के विकास की गति तेज हुई है। उत्तर प्रदेश दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि 50 से अधिक केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा अध्यक्ष पाकिस्तान को अपना दुश्मन न मानते हुए भाजपा को अपना दुश्मन बताते हैं। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है स्थापना दिवस के अवसर पर, योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का, किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बनके छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान को लेकर कौन आया, पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया, जिन्ना को लेकर कौन आया, जिन्ना को लेकर अखिलेश आया।